बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रियाज़ अहमद आपको खुश आमदीद कहता है इस ऑनलाइन सेशन में। आज का हमारा लेक्चर ऑडिट के हवाले से है और आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट रेडनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एडवांटेज और इम्पोर्टेंस को फोर ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए है। फॉर बिजनेस एडवांटेज बिजनेस के लिए क्या होंगे, फॉर ऑनर्स ऑनर्स के हवाले से एडवांटेजेस वो क्या हो सकते हैं, फॉर गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होंगे, एंड फॉर जनरल पब्लिक के जो आम पब्लिक के आम लोग हैं उन्हें कैसे फ़ायदा हो सकता है, वो क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, उनके नज़दीक क्या अहमियत है ऑडिट की। हम इनको अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि फॉर बिजनेस फॉर ऑनर्स फॉर गवर्नमेंट एंड फॉर जनरल पब्लिक इन चार जो हमने ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं तो क्या एडवांटेजेस हमें इसको हासिल हो सकते हैं ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि ऑडिट का क्या बेनिफिट या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन हेडिंग हमारे पास आ रही है एरर्स आर लोकेटेड। एरर्स हमें पता है कि एरर्स से मुराद है ऐसी मिस्टेक्स ऐसी गलतियाँ जो कि अनइंटेंशनली गैर इरादी तौर पर लोगों से हो जाती हैं। एम्प्लॉयज के ऊपर अगर वर्कलोड है तो हो सकता है कि उस वजह से जब वो बुक्स और अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हो सकता है उनसे कोई एरर हो जाए, उनकी इंटेंशन नहीं है लेकिन वर्कलोड की वजह से, या हो सकता है कि केयरलेसनेस की वजह से लापरवाही है उस वजह से उनसे गलती होगी। तो एरर्स आर लोकेटेड में जस्ट यही है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करती हों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शफाफियत पाई जाती है क्योंकि बहुत से मैटर्स के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है उसमें बहुत मेन रोल है अकाउंट्स का। तो अगर आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन्हीं में अगर एरर्स हैं, वही अगर प्रॉपर ठीक नहीं है, प्रॉपरली उनके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है या वहाँ पे कोई सिस्टम का कोई फ्लॉ है, एक सिस्टम की खामी है, तो इट मीन्स कि जो डिसीजन मेकिंग उस बेस पे आप करेंगे वो भी उसमें भी प्रॉब्लम आगे जाके हमें फेस करना पड़ सकती है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने मेनटेन की हुई हैं तो हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी जो है वो एरर लेस है, उसमें कोई एरर ना हो, कोई गलती ना हो, मिस्टेक्स किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरर जो है वो उसको एक लोकेट किया जाए, बल्कि फ्यूचर में भी इस किस्म की पॉलिसी बनाई जाए कि इनसे बचा जा सके। इसलिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है अगर उसमें एरर्स हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग या बाकी उनसे जो आप बेनिफिट गेन करना चाह रहे हैं, जिस मकसद के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को आप रिकॉर्ड में लेके आ रहे हैं, वो मकसद जो है वो आप प्रॉपरली अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड और डिस्कवर। अब एरर्स एंड फ्रॉड दोनों में ये है कि एरर्स तो हमें पता है कि वो मिस्टेक्स हैं जो अनइंटेंशनली हुई हैं, लेकिन फ्रॉड से मुराद ऐसी मिस्टेक्स हैं जो जानबूझ के की जाती हैं। तो ऑडिट का एक पर्पज ये भी है, इसका एक बेनिफिट ये भी, हम इससे ये भी फायदा हासिल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का अगर कोई फ्रॉड है बुक्स अकाउंट्स के अंदर तो ऑडिटर ना सिर्फ उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो गिल्टी पर्सन है, जिस शख्स ने ये फ्रॉड किया हुआ है, उसको रिस्पॉन्सिबल जो है वो करार दिया जा सकता है, उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। इस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर एरर ऑफ फ्रॉड को अगर खत्म कर दिया जाए, एरर ऑफ फ्रॉड अगर इलिमिनेट हो जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करेंगे अगर एरर्स एंड फ्रॉड वहां से अगर इलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें लोन बिकम इजी, कि अब कर्ज लेना यहाँ पे बहुत आसान है, बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि जो लेंडर है जिसने आगे कर्ज देना है, जो भी हमारे पास बैंक्स हैं या बाकी किसी भी किस्म का कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो लाजमी तौर पर जो ऑडिटेड अकाउंट्स है उसके डिमांड करते हैं, क्योंकि जो लेंडर है बैंक्स हैं या बाकी कोई अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो कर्ज से पहले लोन ग्रांट करने से पहले लाजमी तौर पर इंफॉर्मेशन लेंगे उस बिजनेस की, जो भी लेंडर होगा वो लाजमी तौर पर आपसे डिमांड करेगा कि आप हमें प्रोवाइड करें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हमें मुहैया की जाए, फिर उसी की बेस पे वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम लोन ग्रांट करें या लोन ग्रांट ना करें। तो इसलिए अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन की हुई है, उसका ऑडिट हो चुका है, तो ऑडिटर अकाउंट्स हमें हेल्प कर सकते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या हमारी जो भी अगर वर्किंग नीड्स हैं तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हासिल करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आप ऑडिटर हैं तो आप इजीली जो है वो लोन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ रहा है एडवाइस अबाउट वीकनेस। ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है बिजनेस के लिए, तो बहुत सी फर्म्स कंपनीज बड़े बिजनेसेस इवन सिंगल ओनर वो भी कारोबार के हवाले से वो अगर समझते हैं कि हमारा बिजनेस सही प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर रहा, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो रहे, हमने जो प्लान आउट किया हुआ है वो प्लान हम प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा, हमने जो प्लान आउट किया हुआ है वो प्लान हमारे टाइमली मीट नहीं हो रहे, तो लाजमी तौर पर वो फिर
एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के अंदर, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए रुजू करते हैं। तो इस मकसद के लिए जो ऑडिटर हैं वो जाहिर सी बात एक्सपर्ट्स लोग हैं अपनी फील्ड में, तो इस मकसद के लिए ऑडिटर से कॉन्टेक्ट किया जाता है जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फील्ड के अंदर। वो आपको बताएंगे कि आपकी बिजनेस के अंदर आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर किसी किस्म का कोई फ्लॉ है तो उस फ्लॉ को, आपकी जो वीकनेस है उसको आप किस तरह से जो है वो दूर कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है। तो जो आपको बताएंगे कि आपके जो बिजनेस है उसके अंदर ये ग्रे एरियाज हैं, इसको अगर सर अगर आप रिमूव कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आप अपनी जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को मजीद जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, आपके जो प्रॉफिट के अंदर अगर कोई फ्लक्चुएशन आ रही है या आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं सेल के हवाले से वो मीट नहीं हो रहे, तो इसको आप आपकी पॉलिसीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो कि अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। तो ऑडिटर जो है वो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और थ्रू ऑडिटिंग ये पर्पज जो है वो अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है हाई मॉरल वैल्यूज। ये अखलाकी तौर पर जो इम्प्लॉइज के ऊपर एंड मैनेजमेंट के ऊपर एक किस्म का प्रेशर होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिटर ने आके चेक करना है, तो वो काम पेंडिंग नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि काम जो है वो डेली बेसिस पे जो काम है जो वर्क उनके पास है तो वर्क साथ के साथ जो है वो कम्प्लीट किया जा सके। क्योंकि अगर हम अपने काम को समझते हैं कि चलें कोई बात नहीं हम आज की बजाय कल काम करेंगे, अपना आज का काम अगर पेंडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता वो काम हमारा जो है वो उसमें इंक्रीज होगा, वो उसमें इजाफा होता चला जाएगा। और फिर जब आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते वक्त तेज़ी से कोशिश करते हैं कि टाइमली जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर आपने क्लोज करना है तो उसको क्लोज करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ती है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर प्रॉपरली जो पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा अगर आपका है तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा। इम्प्लॉयज इसलिए फिर मिस्टेक्स करते हैं, एरर्स इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर होती है, मिस्टेक्स हम इसलिए कर जाते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। भाई वर्कलोड क्यों हो गया, उसकी रीज़न ये कि आपने जो आपका जो काम था वो पेंडिंग चल रहा था, तो आप टाइम जाहिर सी बात है आपके पास काम में वर्कलोड ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर जल्दी भी इंसान गलतियाँ करता है, मिस्टेक्स करता है। तो इसलिए मैनेजमेंट के ऊपर भी एक किस्म का मॉरल प्रेशर, एक मॉरल चेक रहता है, उन्हें पता होता है कि जो ऑडिटर है वो आके चेक कर सकता है, स्पेशली बिग फर्म्स के अंदर बड़ी कंपनीज के अंदर जहाँ पे कंटिन्यूस ऑडिट चलते हैं। ऑडिट की टाइप है कंटिन्यूस फाइनल इंटरिम ऑडिट, वो इंशाल्लाह हम जब आगे जाएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर लाजमी तौर पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कंप्लीट किया जाता है डेली बेसिस के ऊपर। कोशिश करते हैं हर एम्प्लॉई मैनेजमेंट जिम्मेदारी लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑडिटर कभी भी आ सकता है, उन्होंने आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर समझते हैं कि कंप्लीट नहीं है तो हमें जो हायर हमारी अथॉरिटीज है उस हवाले से हमें उनसे बातें सुनना पड़ सकती हैं, तो हमारी हायर अथॉरिटीज को उस बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो सबका जो मॉरल प्रेशर है वो अचीव किया जा सकता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो हाई मॉरल वैल्यूज़ में अगर काम पेंडिंग नहीं होगा और उसको लाजमी तौर पर अगर काम आपका पेंडिंग नहीं है तो फिर आपके पास वहाँ पे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और फ्रॉड जो है वो उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लाजमी तौर पर आके जो है वो चेक करेंगे ऑडिटर्स। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं टैक्स पेमेंट्स। टैक्स पेमेंट्स लाजमी तौर पर जो असेसमेंट ऑफ टैक्सेस की जाती है कंपनीज जो भी बिजनेसेस हैं उनके प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। तो टैक्स असेसमेंट इसमें अगर इसमें कोई समझते हैं कंपनी समझती है या जो टैक्स डिपार्टमेंट समझते हैं उनके दरमियान अगर कोई किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट आ गया है तो उस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है थ्रू इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो आप कोई भी इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट है उससे अगर आप ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं वो आपके टैक्स मैटर्स को डिस्कस करके आपको अगर रिपोर्ट पेश करता है तो दोनों पार्टीज जो टैक्स पेयर है या टैक्स डिपार्टमेंट है दोनों के जो मामले आते हैं वो सेटल हो सकते हैं। तो इस तरह से ये भी बिजनेस के लिए एक एडवांटेज है कि जो ऑडिटर है वो आपके लिए जो टैक्स मामला है उसकी सेटलमेंट कर सकता है।